हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा गार्डन कितना खूबसूरत जो है हो रहा है, और बारिशें हमारे यहाँ एक दो दिन छोड़ के जो है हो ही रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में कितने प्यारे से जो है गिलहरियाँ खिल रही हैं। तो ये जो है सीड मैंने जो है मंगाए थे ऑनलाइन, तो वही हैं। और जो मैंने ग्रो किए थे उनका तो कलर ही चेंज हो गया, वो येलो कलर थे लेकिन मिक्स हो गया, कुछ और ही कलर जो है मेरे गिलहरियाँ प्लांट फ्लावर का जो है निकला है। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ कि जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में तो जो है पेड़ पौधे झूलते ही रहते हैं, क्या आपके गार्डन में भी झूलते हैं? तो मेरे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे हैं जो लटकते हैं, झूलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रही हैं, तो फ्रेंड्स मैं सही कह रही हूँ, मेरे गार्डन के पौधे तो जो है झूलते रहते हैं, लटकते रहते हैं और कहते हैं देखिए हम तो सावन में झूला झूल रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, कौन से प्लांट हैं जो मेरे गार्डन में जो है झूल रहे हैं और लटक रहे हैं। पहला प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये है वंडरिंग चू। तो वंडरिंग चू की मैंने बहुत सारी जो है ये कटिंग इन जो है वेस्ट मटेरियल में लगा दी थी, और इसका देखिए मैंने एक किस तरह से झूला बना दिया था, और ये बहुत ही प्यारा जो है लग रहा है। जब ये घूमता है ना तो बहुत ही सुंदर जो है ये लगता है। तो है ना, देखिए झूल रहे हैं ना मेरे गार्डन में प्लांट। तो और भी मैं आपको जो है दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक ये जो है बोतल से देखिए DIY किया था, और यहाँ पर मैंने जेड प्लांट को लगाया था, वीडियो भी शेयर की थी मैंने। देखिए ये भी मेरे लटक रहे हैं मेरे प्लांट और झूल रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत सी जो है इनकी ग्रोथ हुई है और कितने बड़े बड़े जो है ये हो गए, मात्र मैंने छोटी छोटी सी कटिंग ही इनमें जो है लगाई है। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये जो है प्लांटर हमारे जो है इस तरह से जो है लटके हुए। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे, देखिए मोसरोज की बास्केट है, देखिए कितने सुंदर से जो है ये लग रहे हैं मेरे पौधे देखिए, और बहुत ही ज़्यादा भर भर के जो है इनमें फ्लावर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इन लटकते हुए झूलते हुए जो है मोसरोज को बास्केट में लगा सकते हैं और प्यारा प्यारा सा लुक जो है अपने गार्डन को दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है देखिए मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी ऐसे प्लांट है जिन्हें हैंगिंग बास्केट में जो है लगाया जा सकता है, और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी ग्रोथ देखिए हो रही है। मैंने ये अपनी रैलिंग पे जो है लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे जो है ये लगते हैं हैंगिंग बास्केट में। और ये देखिए ये घूमते हैं, कितने प्यारे जो है ये लगते हैं जब हवा चलती है। तो अगला प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सीडम ग्रास। तो सीडम ग्रास देखिए कितनी प्यारी सी जो है ये चल रही है मेरे गार्डन में, और जब मैं उत्तराखंड गई थी ना समर वेकेशन के लिए, तो मैं इसे वहाँ से ही लेके आई थी मणिकरण से, तो ये वहाँ पर मुझे मिल गई थी, तो मैंने इसकी 2-4 कटिंग जो है वहाँ से ले ली। और अब देखिए ये इसकी ग्रोथ कितनी प्यारी सी हो रही है, और बहुत ही प्यारा पौधा ये लग रहा है, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है बेस्ट है। तो इसे भी आप जो है अपने हैंगिंग बास्केट में जो है लगा सकते हैं। प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है बोट लिली। तो बोट लिली जो है इसको रियो भी कहते हैं, ये बहुत ही प्यारा पौधा है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो आपके गार्डन में जो है ये हमेशा बना रहता है, और बहुत ही सुंदर जो है ये लुक देता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का वेरिएशन बहुत ही जो है प्यारा होता है। तो ये भी एक ऐसे पौधे हैं जो आपके गार्डन में जो है ये झूलते रहेंगे, लटकते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक जो है इसमें जेड की कटिंग लगा दी थी, ये बहुत ही प्यारे से जो है ये यहाँ पर चल रही है। तो मैं जो है बाद में इसको निकाल दूँगी, इसको एक अलग पॉट दूँगी, ताकि इस वाले प्लांट को जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है मिल सके। पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये है टंगल हार्ट। तो टंगल हार्ट भी बहुत खूबसूरत पौधा है, इसे भी आप जो है हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और जब ये हवा चलती है और इस तरह से जो है घूमते हैं ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, हमारे गार्डन का लुक जो है कुछ और ही जो है बदल जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे हैंगिंग बास्केट लगाने का शौक़ बहुत है, लेकिन मेरे पास जो है हैंग करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं जो है बहुत ही कम जो है हैंगिंग बास्केट जो है रेडी करती हूँ, लेकिन फिर भी है मेरे पास इतनी सारी कि मेरा गार्डन जो है इनसे भरा रहे। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारी पर्सलिन। तो पर्सलिन तो बहुत ही खूबसूरत होती है, क्योंकि समर्स में ये हमें जो है भर भर के फ्लावरिंग जो है देती है। तो ये भी एक हैंगिंग जो है प्लांटर है, इसको भी जो है हम जो है हैंगिंग बास्केट में या किसी भी जो है प्लांटर में लगा सकते हैं। मैंने इनको हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको अपनी ग्रिल पर जो है हैंग किया है। तो ये जब पूरी तरह से जो है पूरी ग्रिल भर के जो खिलती है ना, बहुत ही प्यारी जो है ये लगती है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में जो है लगाएँ और बहुत प्यारे प्यारे जो है फूल इसके पाएँ। प्लांट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट। तो अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि बरसात है, और बरसातों में जो है इनमें जो है पत्तियों में देखिए कीड़े लग जाते हैं, वो खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छा पौधा है, जिसे आप हैंगिंग बास्केट में जो है लगा सकते हैं। मैंने अब इसकी हैंगिंग बास्केट जो है नहीं बनाई है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद जो है मैं इसको जो है हैंगिंग बास्केट में ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि विंटर आने वाली है, और विंटर में भी जो है मुझे बहुत सारे प्लांट जो है लगाने हैं विंटर के, और मेरे पास इतना बड़ा गार्डन नहीं है कि जो मैं इन सबको जो है टेरिस पे रख सकूं। तो आने वाले टाइम में मैं इसे भी जो है हैंगिंग बास्केट में जो है लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऐसा पौधा है, जब इसके रनर्स निकलते हैं चारों तरफ से तो बहुत ही सुंदर इसकी हैंगिंग बास्केट जो है लगती है। इस प्लांट को भी आप ज़रूर हैंगिंग बास्केट में जो है लगाएं।
प्लांट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है स्नेक प्लांट, ये द्वार वाला स्नेक प्लांट है, मेरे पास टोल वाला भी है, तो इसको भी जो है हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे पौधे जो ये लगते हैं बास्केट में और बड़े ही अच्छे से जो है ये चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको भी लगाएं और तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे गार्डन में जो है ब्यूटीफुल सा जो है लुक बखेरते हैं, क्योंकि इनकी शेप ऐसे लगती है कि कोई फूल जो है खिल रहा हो जब इसकी पत्तियाँ इस तरह से जो है निकलती हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। तो मैंने देखिए इससे जो है हैंग किया हुआ है अपनी ग्रिल पर, ये यहाँ पर देखिए ये हैंगिंग प्लांटर में, तो इसको भी जो है आप जो है किसी भी हैंगिंग बास्केट में या प्लांटर में जो है लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सब शेयर करना था आपके साथ, जो मेरे गार्डन में इतने सारे जो है प्लांट हैं जिनको हम जो है हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और अपने गार्डन को जो है प्यारा सा लुक दे सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी जो हैंगिंग बास्केट इन प्लांटों की लगती है। तो फ्रेंड्स आप भी लगाइए अपने गार्डन में लटकते हुए झूलते हुए मुस्कुराते हुए ये सारे पौधे।